हेलो गाइस, होप्स आप सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज की वीडियो में बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। जो आपने यू कंसोल की वीडियो देखी थी जो अनबॉक्सिंग की, आज इसको करेंगे असेंबल। देखो इसमें जैसे कि आपने देखे थे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको असेंबल करना है। तो आज की वीडियो में जल्दी से आपको असेंबल करके दिखाता हूँ कैसे असेंबल होगा। चलो वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ये बॉक्स रिसीव हुआ था, पूरी किट है ये एक्चुअली। तो ये किट रिसीव हुई थी, तो किट में ये सारा कुछ आइटम हमें रिसीव हुआ था। यहाँ पे एक गाइड दी थी इन्होंने, असेंबली गाइडलाइन। तो इस गाइडलाइन को देखते देखते जल्दी से इसको असेंबल करते हैं। वैसे तो गाइडलाइन देखने की जरूरत नहीं है, जितना मुझे पता है मुझे आता है ऑलमोस्ट। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं एंड मैं असेंबल करना चालू करता हूँ। वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरी जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये वाली। पहले निकाल लेते हैं हम अपनी स्क्रीन को बाहर और लेते हैं अपना, इन सबको रखते हैं साइड में। पहले मैं एक पन्ना इसको सारी चीजें खोल लेता हूँ, बस अपने डेस्क पे रख देता हूँ ताकि इजी रहे। ये आ गया अपना मेन यूनिट। इस यूनिट के ऊपर रखेंगे हम पहले ये डिस्प्ले को। 5 इंच की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है ये, इसको यहाँ पे रखना है। एंड ये देखो अपने आप ये सेट हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सेट हो जाएगी। उसके बाद रखना है कीबोर्ड को। कीबोर्ड मस्त लग रहा है, एक जो कीबोर्ड रहने वाला है। उसके बाद कीबोर्ड को रखना है इसके ऊपर। कीबोर्ड की एक अच्छी बात है इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर वाला कीबोर्ड है ये। इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड, अपना माइक्रो यूएसबी का पोर्ट लगा हुआ है, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्विच भी दे रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है इनकी। ये मेन पोर्ट रहने वाला है, इसको यहाँ पे रखना है। सब कुछ ऑटोमेटिकली कटआउट्स बने हुए अपने आप ही सेट हो जाएंगे, कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। देखो मैंने इस पे रखा, बिल्कुल इजिली सेट हो गया। इस रबर वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। ये रबर का पार्ट एक्चुअली ये दो बटन में आता है, एक ब्लैक आता है, एक व्हाइट बटन आता है। अभी तो मैं व्हाइट वाला लगाने वाला हूँ, व्हाइट वाला बॉक्स में रखा हुआ है। एंड देखो इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, और जब रखोगे ना तो ये अपने आप ही फिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रखनी है यहाँ पे ट्रैक बॉल में बॉक्स से निकाल लेता हूँ। ट्रैक बॉल नेक्स्ट यहाँ पे रखनी है, बिल्कुल सिंपल, आपको बस रख देनी है इसको, ये अपने आप ही बैठ जाएगा वहाँ पे, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा और कुछ लगाने की जरूरत यहाँ पे रही नहीं है। तो अब ये जो मेन फ्रेम है इसके ऊपर मैं रख दूंगा इसको तरीके से। कुछ अपने स्क्रूज को ले लूंगा मैं, स्क्रूज ले लेते हैं अपनी बैक प्लेट पे। 2000 years later. तो ये मेरी एलन की रिसीव हुई थी, उसकी मदद से इसको फिट करना है। टोटल 6 स्क्रूज रहने वाले हैं। इन 6 में इसको लगा देना है, लाइक दिस। जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो जल्दी से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। ये 6 के 6 स्क्रू टाइट हो गए। क्या लुक आ रहा है, अब काफी अच्छा ये लुक अभी दे रहा है। अब आ जाते हैं इसके बैक साइड की असेंबली पे। बैक साइड में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बटन लगा देता हूँ इसका। यहाँ पे जो बटन था, ये 2 बटन मिलने वाले हैं, देखो ब्लैक एंड व्हाइट। मैं अभी ये व्हाइट वाला लगाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी पूरा फ्रेम ब्लैक रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा एक अलग यहाँ पे टोन देगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये इजिली विजिबल भी है। तो अभी के लिए मैं हो सकता है मे भी बाद में चेंज कर दूं, अभी मैं यही लगाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट है मेन पीसीबी, यहाँ पे लगानी है। अब मेन पीसीबी कैसे लगानी है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जैसे मैं रख रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे ही इसको लगाना है। यहाँ पे सिंपली आपको रख देना है, ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा, कुछ आगे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो कीबोर्ड रहने वाला है, नीचे पोगो पिंस है, पोगो पिंस के थ्रू ये कनेक्ट होगा। मैं जल्दी से 4 स्क्रूज में टाइट कर देता हूँ so that ये कहीं हिलेगा नहीं बोर्ड। एंड एक और खास बात, आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ इस बोर्ड पे भी मिल जाता है। एंड कभी भी आप ऐसे कोई बोर्ड टाइट करो तो क्रॉस कनेक्शन में टाइट करना, तो अनइवन नहीं होता है क्रॉस में। जैसे क्रॉस में कर रहा हूँ ना, तो वैसे ही क्रॉस में टाइट करना है आपको। नेक्स्ट जो चीज करना है, ये स्क्रीन की रिबन आ रही है तो ऐसे बेंड करना है एंड इसमें इंसर्ट कर देना है। बहुत इजिली इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजीली इंसर्ट हो जाएगा। एंड इसको क्लिक कर देना है, क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज इसमें लगानी है, बैटरी मॉड्यूल लगाते हैं। ये बैटरी मॉड्यूल रहने वाला है, आपको दिखाया था। करेंटली मेरे पास अभी 18650 की बैटरीज नहीं है, जो है वो थोड़ी सी एक्सपायर हो रखी है, मुझे थोड़ा सा उस पर डाउट है। सो मैंने नई ऑर्डर कर रखी है, तो जब नई बैटरीज आ जाएगी सो मैं उसमें ये लगा दूंगा। अभी करेंटली मैं इसके टाइप सी पोर्ट से आपको पावर इन करके दिखाऊंगा। तो जल्दी से मैं इसको असेंबल करता हूँ। यहाँ पे कनेक्टर्स है, कनेक्टर में आपको जस्ट इसको पुश कर देना है, अपने आप ही सेट बैठ जाएगा, ये लाइक दिस, ये आराम से बैठ जाएगा। एंड 4 स्क्रूज को वापस टाइट करते हैं। टाइट हो चुके हैं, जल्दी से अब रास्पबेरी पाई को ले आता हूँ मैं। ये रास्पबेरी पाई CM4 मॉड्यूल रहने वाला है, इसका जो अडेप्टर है वो ले लेता हूँ मैं। अडेप्टर पे कैसे फिट करना है, इसको ऐसे रख के, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे ही रखना है आपको। ये जो होल्स है ना वो मैच कर जाएंगे, जैसे आप रखोगे, ये देखो जैसे ये होल्स है ना आपको ये मैच कर जाएंगे। एंड उस पर आपको पुश कर देना है। तो देख सकते हो ये आराम से अच्छे से बैठ चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से बैठेगा। जैसे रैम फिट होती है बिल्कुल वैसे ही रैम की तरह ही ये फिट होगा। नेक्स्ट इसमें चीज लगानी है सेल्यूलर मॉड्यूल। ये सेल्यूलर मॉड्यूल मैं लगा देता हूँ जल्दी से, ऐसे रख के डाउन करना है। नेक्स्ट जो चीज है एंटीना लगाना है। फ्रॉम हियर दिस से आपको अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद इसको ये स्टिकर ऐसे निकालना है, स्टिकर है लाइक दैट। यहाँ पे तो ये प्रॉपर्ली पेस्ट हो चुका है, इसके अंदर आ चुकी है इधर आगे। एंड मुझे CM4 के एंटीना वाले पार्ट को से अटैच करना है, नीचे वाले से नहीं करना है। यहाँ पे भी एक एंटीना के लिए पोर्ट दे रखा है बट इस पे नहीं करना अटैच। CM4 का ये एंटीना वाईफाई एंड ब्लूटूथ यूज करेगा तो मुझे इस पे ही अटैच करना है। अटैच करने के लिए सिंपली इसको पुश करना है, सेट हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज करनी है इसमें अब क्या रह गया है, दूसरा वाला एंटीना। दूसरा वाला एंटीना जो है वो फिट करना है इसमें। एंड दूसरे वाले एंटीना के लिए ये वाली स्पेस दे रखी है, ये नीचे वाले बॉर्डर पे यहाँ पे फिट करना है। सिंपली इसका जो एडेसिव टेप है इसको हटाना है, तो यहाँ पे रख के इसको प्लेस कर देना है। फिर इसका जो एंटीना का केबल है डाल देता हूँ मैं। तो ये एंटीना अंदर आ चुका है। एंटीना के जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला एंटीना का पोर्ट है, में इसको अटैच करना है। तो इसे अटैच करना है लाइक दिस। ओके, तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो केबल को साइड में करके अच्छे से सेट रहने देना। दोनों चीजें, दोनों एंटीनाज यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं, सेल्यूलर का भी एंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ का भी। नेक्स्ट जो चीज रह गई है यहाँ पे 1865 बैटरी अभी नहीं है तो अभी मैं नहीं डालूंगा इसको। नेक्स्ट आइटम रह गया स्पीकर्स। ओ शिट, नहीं भूल गया मैं स्पीकर्स लगाने हैं। तो जल्दी से अभी मैं इसको खोल देता हूँ वापस और स्पीकर्स लगा देता हूँ। बिना स्पीकर से कैसे काम चलेगा। एंड इसका जो साइड वो भी जल्दी से, एंड यहाँ पे स्पीकर्स थे, जल्दी से स्पीकर्स को निकालते हैं। दो स्पीकर्स रहने वाले हैं, दोनों की प्रोटेक्टिव फिल्म्स आपको निकालने हैं। ये दोनों प्रोटेक्टिव फिल्म्स निकालने हैं एंड यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। दूसरे वाले को भी सेम ऐसे ही करना है, निकालना है एंड प्लेस कर देना है। डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है इसमें, कैसे भी आप प्लेस कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, तो इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट जो है ये एक शील्ड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, साइड से जाएगी बिल्कुल। ये शील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी। ये मैंने होल वाली शील्ड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑक्स का बेस है ऑडियो पोर्ट का, तो ये बिना होल वाली शील्ड भी है, वो भी मैं लगा सकता था बट मुझे ऑक्स यूज करना था तो मैं वो वाली तभी नहीं लगा रहा हूँ। एंड जल्दी से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको सिम भी डाल सकते हैं लाइक दैट। इसको उठा के सिम भी लगा सकता हूँ। 4G सिम मैं इसमें डाल के देखूंगा बट आगे किसी टेस्टिंग की वीडियो में डालूंगा बट आज नहीं डालने वाला हूँ। नेक्स्ट जो चीज रह गई है सिंपली अभी मैं ये लगा देता हूँ, थर्मल पैड को लगा देता हूँ जल्दी से। थर्मल पैड के दोनों प्रोटेक्टिव फिल्म्स आपको हटाने हैं, दिस ये प्रोटेक्टिव फिल्म्स हटाने हैं। इसको सिंपली रैम एंड CPU वाली जगह पे इसको प्लेस करना है ताकि वो दोनों एरिया कवर हो जाए। और ये रखने के बाद ऑलमोस्ट ये सब सेट हो गया, ये सब रख दिया। बैटरीज बाद में लगाऊंगा, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो अच्छे से, सब कुछ सेट हो गया। सेलुलर नेटवर्क लग गया, CM4 लग गया, CM4 के वो एडाप्टर लग गया, एडाप्टर के साथ एंटीना वगैरह सब इसमें लग चुका है। डिस्प्ले कनेक्ट हो गई, कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, बैटरी का ये पोर्ट कनेक्ट हो गया। अब इसकी बैक साइड मैं इसको लगा देता हूँ। इस पर बैक साइड के लिए सिंपली इसको यहाँ पे रखना है। थोड़ा सा उठेगा ये बट आपको पुश करेगा, थोड़ा सा पुश करोगे तो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। तो चलो जल्दी से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा 99% काम हो चुका है। यहाँ पे बैक केस लग गया है, बैक कवर लग गया है इसका। अब लगाना है इसका स्टैंड। स्टैंड लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसको लगाना है एंड दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सेम करना है लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से, एंड जब इसको बाहर निकालना तो आप इसको खींच के ऐसे बाहर निकाल सकते हो एंड ये कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा। लुक एट दिस गाइस, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं एंड आप फाइनल लुक देख सकते हो। थोड़ा सा तो टाइम लगा इसमें, 20 मिनट लगे एंड बट यहाँ पे फाइनली ऑल सेटअप हो चुका है। अब जल्दी से मैं एक पावर बैंक ले लूँ। ये एक पावर बैंक है, PD सपोर्ट करता है। ये पावर डिलीवरी वाला पावर बैंक है, अप टू 22 वोल्ट, 22.5 वोल्ट पे काम करता है। SD कार्ड मेन तो SD कार्ड रहेगा। जल्दी से इसमें SD कार्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये SD कार्ड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, वहाँ पे आपको पुश करना है, बैठ जाएगा आराम से और फ्लश भी होगा। जल्दी से अब मैं लगाता हूँ इसको पावर के लिए, एंड लेट मी जस्ट टर्न दिस ऑन। 2000 years later. फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्न ऑन हो चुका है, टर्न ऑन हो ही रहा था डिस्प्ले, जब रिकॉर्डिंग करने बैठे तब कुछ होगा। तो फाइनली ये टर्न ऑन हो चुका है। अभी इसको करंटली मैंने इसको एक्सटर्नल पावर दिया, देखो डिस्प्ले आ गई एंड ओके वाओ। यहाँ पे Raspberry OS का सेटअप आ चुका है। करंटली अभी देखो पावर बैंक सपोर्ट दिया हुआ है, अभी बैटरी पे नहीं ऑपरेट हो रहा क्योंकि बैटरीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसी बैटरी आएगी वो वाली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार ट्रैक पैड चला के देखते हैं। ओह सर देखो स्मूथनेस देखो, देखो इस तरीके से रहने वाला है। पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। सो बेसिकली ये टर्न ऑन हो चुका है। वीडियो को अभी यहीं पे रखता हूँ। जो भी टेस्टिंग वगैरह की वीडियो है, टच स्क्रीन नहीं है ये, पहली बात तो टच स्क्रीन नहीं है। चलो वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। जो भी आगे की वीडियो रहने वाली है इसकी टेस्टिंग की वीडियो रहेगी। अभी इसमें Raspberry OS है, Raspberry OS पे भी अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। Kali Linux भी इस पे चला के दिखाऊंगा। एंड जितने भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम Raspberry Pi 4 सपोर्ट करता है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इस पे चला के दिखाने वाला हूँ। एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत छोटा सा। देखो ये इतना कंप्यूटर है, इतने साइज का एक कंप्यूटर है, बहुत मजेदार चीज है। वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। एंड होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको पूरे आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इसको असेंबल कैसे करना है। अपना जो क्लॉकवर्क का यू कंसोल है उसको असेंबल करके दिखाया है। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। होप सो आपको ऐसी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी मुझे कमेंट्स में बता दो। मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में। अपने मोटो के साथ चलते रहेंगे, सीखते रहो, सिखाते रहो। धन्यवाद। चलो टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहले ही बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइबर की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो बाय।